वो स्क्रीनिंग उन्होंने कहा जिस तरीके की हो रही थी वो उसका कोई फायदा नहीं है। जो सस्पेक्ट है उनको कैसे हमने देखना है, और तीसरा एस्पेक्ट ये भी है कि और बाहर से लोग ना आए। नेशनल इमरजेंसी है, हम सब ने जिम्मेदारी से काम लेके अभी तक ईरान से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उन पे पाबंदी नहीं लगाई गई है। ईरान अगेन एक सेंट्रल पॉइंट अनफॉर्चुनेटली हो गया, हमारा नेबर भी है। जो मीटिंग के बाद इमीडिएटली मैंने पहला काम ये किया था दफ्तर में वापस जाके कि मैंने मिनिस्टर इंटीरियर, स्पेशल असिस्टेंट हेल्थ और मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स तीनों से बात करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली तीनों से मेरी बात पिछले आधे पौने घंटे में नहीं हो सकी। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग के लिए मैंने अभी फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी, ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है लेकिन अगर उनके पास रिसोर्सेज कम है तो वो स्क्रीनिंग उन्होंने कहा जिस तरीके की हो रही थी वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑलरेडी डिटेक्ट हो गए, जो अभी तक एक केस है उसको कैसे हमने हैंडल करना है, या उसके बाद अल्लाह ना करे कोई और केस आता है उसको कैसे हैंडल करना है, जो सस्पेक्ट है उनको कैसे हमने देखना है, और तीसरा एस्पेक्ट ये भी है कि और बाहर से लोग ना आए तो उनको कैसे हमने एयरपोर्ट्स पे स्क्रीन करना है। पहले ही होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ये जनवरी से मसला शुरू हुआ हुआ है। इस साल के शुरू में मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग में भी नहीं बुलाया इसके लिए कि ये क्या करना है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करते रहे, आई थिंक दी ओनरशिप शुड बी राइट एट द टॉप। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कराची सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं आते हैं। आपने फोकस इधर करना था और सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड देना चाहिए था और जो नहीं लिया गया।